जय श्री महाकाल। पहुंच गए हम अपने महाकाल बाबा के यहाँ उज्जैन, होटल लिया हुआ है। सुबह पहुंच गए थे, रात में मुंबई से कितने बजे चले थे? कल शाम को 5:30 बजे निकले थे मुंबई से और सुबह पहुंचे हैं। 3 घंटे मैंने रेस्ट भी लिया था, सोया भी था और उसके बाद क्या बोलते हैं सुबह पहुंचे हैं 9:30 बज गए हैं यहाँ पे। थोड़ा जाम मिला था इंदौर में, फिर हमने सोचा उज्जैन में होटल ले लेते हैं। तो यहाँ मंदिर से 4-5 किलोमीटर पीछे होटल लिया हुआ है, मेन रोड पे ही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं होटल, ये बालकनी है, ये मेन रोड पे ही होटल है। अब जा रहे हैं महाकाल बाबा के दर्शन करेंगे, भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। ये शर्ट मेरी प्रेस नहीं मिल पाई थी तो प्रेस नहीं हो पाई है, मैंने कहा चलो ऐसे पहन लेते, क्या जा रहा है, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया हमें निकले घर से, आज 8वां दिन है और अभी पहुंचने में 10 दिन पूरे कर देंगे, 9-10 दिन हो जाएंगे पूरे। या तो अगर शाम को निकले 10वां दिन लग जाएगा। तो बस ऐसे महाकाल बाबा की कृपा बनी हुई है और आप लोगों की कृपा की ज़रूरत है। लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कमेंट करा करो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाया करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले मुझे। अब हम लोग चलते हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने, वहाँ से जाएंगे भैरव बाबा, भैरव बाबा से दर्शन करके आएंगे। मैं 1-2 घंटे और रेस्ट करूँगा फिर निकलेंगे हम दिल्ली के लिए, क्योंकि लंबा सफ़र हो जाता है ना तो थोड़ी दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में। तो अब चल रहे हैं हम लोग। हम लोगों का थोड़ा प्रोग्राम चेंज हो गया है, पहले हम उज्जैन महाकाल बाबा नहीं, पहले काल भैरव मंदिर चल रहे हैं। भैरव बाबा के दर्शन करते हुए उधर से अंदर ही अंदर उज्जैन मंदिर, महाकाल मंदिर दर्शन करते हुए निकलेंगे हम लोग उधर से, क्योंकि पार्किंग की समस्या है। वो गाड़ी ऐसा है ना, यूपी नंबर है इसलिए परेशान करते हैं वो लोग, उनको लगता है कि हम 2-3 दिन के लिए या शाम तक के लिए खड़ी करेंगे। लेकिन अब तो हम रेडी होके जा रहे हैं, उसको बता देंगे भैया अपना होटल ले लिया है, दर्शन करके 1 घंटे में वापस आ जाएंगे, जितना दर्शन में टाइम लगता है। ऑन द वे मंदिर में तो बहुत भीड़ है, काल भैरव बहुत भीड़ है। ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे काल भैरव मंदिर के सामने। भीड़ देख रहे हैं बोलो, मंदिर में बहुत जबरदस्त भीड़ है आज तो। उज्जैन में भी वहाँ भी होगी, महाकालेश्वर भी। आ जाओ, जल्दी वाले आगे, आराम से वाले पीछे चलो। भैरव बाबा का प्रसाद। प्रसाद चढ़ा दिया हमने भैरव बाबा को और एकदम मन खुश है, मज़ा आ गया और भीड़ ज़बरदस्त है, ये देख सकते हो आप मेरे पीछे। मम्मी का अब ये सोच रहा हूँ कि वहाँ कितनी भीड़ होगी उज्जैन, वहाँ महाकाल मंदिर पे देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ सही है, दर्शन हर जगह बेस्ट, ज़बरदस्त। हम लोगों के अच्छे से दर्शन हो गए हैं काल भैरव मंदिर के, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से महाकाल मंदिर। महाकाल मंदिर का डिस्टेंस है यहाँ से 7 किलोमीटर है और दर्शन मैं आपको बताऊँ, लक्ष्मी माता मंदिर का हूँ, भीमा शंकर मंदिर का हूँ या काल भैरव का हूँ या हर जगह जितने दर्शन किए अभी तक सबसे बेस्ट किए, शिरडी में भी सबसे अच्छे दर्शन हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी लेकिन ऐसा सामने दर्शन हुए हैं अच्छे से। अब हम जा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर से अपने होटल में सिर्फ फ़ोन वोन चार्ज करना है, अपना बैग पैक करना है और सीधा दिल्ली के लिए रवाना, क्योंकि दिल्ली के लिए अभी 4 भी बज गए हमें निकलते वक्त, तो सुबह के 7-8 बज जाएंगे हमें पहुँचते। तो चलते हैं हम लोग, ऑन द वे हैं गाड़ी में।
मंदिर पहुंच गए हम लोग महाकालेश्वर। आज पार्किंग वाला पहचान गया हमें कि फिर आ गए तुम। ये सामने ठीक मंदिर है बाबा महाकाल का। अभी जब एक बार ये बन के तैयार होगा ना तो बहुत खूबसूरत लगेगा। अभी काम चल रहा है पूरा। ये लोग कहाँ रह गए? पहले अगर गाड़ी अंदर आने देते तो यहीं रुक जाते। ये पार्किंग है इस तरफ सामने। मम्मी चलते हैं मंदिर की तरफ और दर्शन करके फिर हमें दिल्ली निकलना है। अगर उस दिन दर्शन हो जाते तो हम कंटिन्यू सुबह ही निकल जाते उस तरफ। इस बार पूरा चक्कर काट के आ रहे हैं। 250 वाली पर्ची नहीं ली है मैंने कहा पूरा गर्मी भी हो रही है। जब रात में कितने बजे से बारिश नहीं हो रही थी? मुंबई ख़त्म हुआ है नहीं, नासिक, नासिक तक बारिश थी। नासिक के बाद बारिश बंद हो गई थी और यहाँ पर देख लो मौसम इतनी गर्मी हो रही है। और पूरा राउंड लगा के उस पार्किंग से इस तरफ आ रहे हैं। पहले मैंने सोचा एक बार कि वो पर्ची ले लेता हूँ, फिर मैंने कहा थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। ये है मम्मी बहुत पीछे चल रही लग रहा है। थक गई? हाँ वो है ना कंकड़ चुभ रहा होगा ना। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। अभी मंदिर सामने है मेरे जस्ट पीछे, एग्जिट इधर से। कोई नहीं, थोड़ा सा कष्ट करेंगे जब भी तो बाबा कहेंगे थोड़ा लड़का परेशान है, करेंगे सुधार। प्रवेश कर चुके हैं हम मंदिर के अंदर। जय श्री महाकाल। गेट श्री महाकालेश्वर मंदिर। भीड़ देख रहे हैं कितनी सारी। जय श्री महाकाल। दर्शन करके हम लोग ऊपर आ गए हैं मंदिर की तरफ। ये मंदिर है और ये भीड़ देखिए।
भीड़ देख रहे हैं आप। दर्शन संपन्न हुए और हम लोग जा रहे हैं, लेकिन भीड़ देख रहे हो क्या जबरदस्त भीड़ है। इतनी भीड़ आ गया है मेरे पीछे की तरफ देखिए। और जबकि श्राद्ध चल रहे हैं, कहते हैं श्राद्ध में मंदिर के दर्शन लोग कम करते हैं। और यहाँ देखो सही है, भगवान भी फ्री नहीं है इस टाइम, भगवान भी फ्री नहीं है। पहले क्या होता था, लोग घर में भी 15 दिन तक दिया नहीं जलाते थे, है ना, लेकिन मंदिर में क्या लोगों की श्रद्धा भक्ति बढ़ती जा रही है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। तो जय श्री महाकाल। अब चल रहे हैं हम अपनी गाड़ी की तरफ, फिर चलते हैं होटल की तरफ, चेकआउट करते हैं, दिल्ली रवाना। हमारा 8-10 दिन का टूर था, दिल्ली पहुँचेंगे 3700-3800 गाड़ी चल चुकी होगी हमारी, कैलकुलेट किया था